नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्त रीडिंग पॉइंट में। आज हम करने वाले हैं हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट, जो आपके सी टैट, यूपी टैट और जो अभी आपके 31 तारीख को मंडी परिषद का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी प्रैक्टिस सेट मिल सकें। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय महत्वपूर्ण है प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं, विधागत विविध होना, पाठों की संख्या सीमित होना, सभी व्याकरणिक तत्वों का समावेश। तो जो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधागत विविधता होना। आप लगा सकते हैं और आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, आकर्षण का विलोम शब्द होगा विकर्षण, संघर्षण, उत्कर्ष, गुरुत्वाकर्षण। तो जो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विकर्षण। नेक्स्ट है, मृग तृष्णा का तात्पर्य होता है देर से लगी हुई प्यास का एहसास, किसी को फंसाने का षड्यंत्र, दूर से ललचाने वाली वस्तु का भ्रम, या हेड़ों की प्यास का सामूहिक नाम। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दूर से ललचाने वाली वस्तु का भ्रम। तुम देखा होगा कि जब गर्मियों के समय में रेगिस्तान में कई मरीज का बनती है, ऐसा एहसास होता है वो पानी होगा लेकिन वो पानी नहीं होता, एक भ्रम होता है ये। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वाक्य में भविष्य काल है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ। तो यहाँ पूछ रहा है आपको भविष्यकाल की पूछ रहा है, तो आपका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। नेक्स्ट है, माता जी को आशीर्वाद, शुभकामनाएं, प्रणाम, स्नेह। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रणाम, माता जी को प्रणाम किया जाता है। नेक्स्ट है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है मुमुक्ष, मुक्तिकामी, तपस्वी, योग। तो जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुमुक्ष। नेक्स्ट है, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, रूपक अलंकार। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यमक अलंकार। नेक्स्ट है, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द कौन सा है, दावागिन, बड़वागिन, मंदागिन, जठरागिन। तो जो आपका लगा लिया होगा तो आपका सही आंसर होगा जठरागिन। नेक्स्ट है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करें बहुन हंसे देन के नट जाए, इस पंक्ति में कौन सा रस है, श्रृंगार रस, वीर रस, वियोग रस, हास्य रस। तो जो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार रस। नेक्स्ट है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह विचार निम्न में से किस महापुरुष का है, फ्रॉविल का, किलपैट्रिक का, गांधी का, वॉटसन का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी का। नेक्स्ट है, छंद का सर्वप्रथम उपयोग कहाँ मिलता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, उपनिषद में। तो जिसका उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, रस जाता है, सीताफल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्य वर्धक होता है। तो कौन से सेंटेंस में जो है वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरी गाय काली है, यानी काली का विशेषण की विशेषता बताता है यहाँ पे। नेक्स्ट है, नाटक शिक्षण में कक्षा विनय प्रणाली के प्रयोग से शिक्षण एवं बच्चों का समर्थ व्यर्थ होता है, पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु निम्न में कौन सा तरीका उपयुक्त है, वाक्य प्रयोग, चित्र निर्माण, संधि विच्छेद या व्याख्यान। तो जो आपका सही जो आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा आपका वाक्य प्रयोग। नेक्स्ट है, किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को, वीर रस को, हास्य रस को, या इनमें से कोई नहीं? तो जो आपका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका श्रृंगार रस। नेक्स्ट है, गणानंद को किस युग का कवि माना जाता है? आदिकाल का, भक्ति काल का, रीति काल का, या भारतेंदु काल का? तो सही आंसर आपका हो जाएगा रीति काल। नेक्स्ट है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? आपके पास चार शब्द हैं जो लिखे गए हैं आशीर्वाद के रूप में, तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आशीर्वाद। नेक्स्ट है, छत से ईट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, या संप्रदान कारक? तो आपने लगा लिया होगा, तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपादान कारक। नेक्स्ट है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहीन का उपनाम है? हरियोद, निराला, अज्ञेय, गुलेरी, कई बार आपने पढ़ा होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अज्ञेय। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान बिहारी किस विधा में निपुण थे? कवित्व में, सवैया में, पद्य में, दोहा में? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दोहा। नेक्स्ट है, पुनर्जन्म शब्द की संधि विच्छेद क्या होगी? पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, पुनः जन्म प्लस पुनः प्लस आजन्म। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुनः प्लस जन्म। नेक्स्ट है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? शांत का, करुण का, हास्य का, वीर का? यानी कि शोक यानी कि एक स्थायी भाव पूछा जाता है जो कोई सी परीक्षा हो, तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, करुण रस का। नेक्स्ट है, सूरदास ने किस भाषा में सुसंरचना की? अवधि भाषा में, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में, या राजस्थानी भाषा में? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्रज भाषा में की। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल? तो आपका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न होता है के लिए शब्द है? कुलीन, समृद्ध, धनी, कृपण? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुलीन। दाता शब्द का स्त्रीलिंग होगा दाती, दात्र, दात्री, या धात्री? तो आप लगाया होगा, तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दात्री। नेक्स्ट है, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक? तो आप लगाया होगा, तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अपादान कारक। नेक्स्ट है, पापी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, या परिमाणवाचक विशेषण? तो जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद शीकल कांति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, या उत्प्रेक्षा अलंकार? तो जो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। नेक्स्ट है, बीजक किसकी रचना है? सूर की, तुलसी की, कबीर की, जायसी की? तो बहुत फेमस रचना है, तो आपको पता होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कबीर की। तो दोस्तों ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 30%। आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिख करके आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, तो मैं आपको आगे और प्रैक्टिस प्रोवाइड करा दूंगा जिससे आपकी तैयारी पूरी होती रहे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।